अच्छा, ये जो बोर्ड है आपके सामने, ये है एमए बीएड बेरोजगार, एमएड जी सर, एमएड, एमएड बीएड बेरोजगार स्वीट हाउस एवं प्रतिभा चार्ट कॉर्नर। प्रोप्राइटर है मनोज जी, उनका फोन नंबर है, फिर उसके बाद लिखा है हमारे यहाँ रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कलाकंद, बर्फी, चाट, समोसा इत्यादि मिठाइयाँ उचित मूल्य पर मिलता है। किसी भी शुभ अवसर पर ऑर्डर के लिए संपर्क करें। पता कटसा चौक, बसतपुर, सारण, सारण यानी छपरा, ये अमनौर विधानसभा है, कटसा बाजार गांव है। साथ में मनोज जी यहाँ पे हैं। जी सर। आप का नाम लिखा है ही? जी सर। कितना उम्र है मनोज जी आपका? मेरा उम्र 34 साल हो गया सर। 34 साल जी। अच्छा, और ये बताइए, ये काहे एमएड बीएड बेरोजगार हाउस का नाम रखे हैं, इस अपना बेरोजगार स्वीट हाउस नाम रखे हैं अपना, ये कैसे? सर रखे नाम इसलिए कि हम लोग रोजगार की तलाश में प्रयास किए, जब तक नहीं मिला तब तक तो आदमी उसी में था। जब उस वक्त भी हम लोग बहुत प्रयास किए कि नहीं मिला, नहीं मिला। सरकार के 2011 में टीचर की वैकेंसी आई, उसके बाद कोई वैकेंसी कैसे नहीं आया। 2020 में हम लोग भी जनवरी 28 जनवरी के एग्ज़ाम दिए थे स्टेट का, उसके बाद स्टेट का एग्ज़ाम दिए, मई में रिजल्ट आने वाला था 15 तारीख को, तब तक सरकार ने मेरा एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया। उसके बाद बोला कि अभी बहुत धांधली हुई थी, इसके पहले बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर जी बोले कि नहीं, ये कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है। फिर भी हम लोग को बहुत उल्लास था, चलिए भाई कदाचार मुक्त हुआ बिहार में पहली बार, और उसको हम लोग ने बहुत उल्लास के साथ रिजल्ट का इंतजार किए। अब जिस दिन 15 तारीख को हम लोग का रिजल्ट के सामने सोचे कि मेरा रिजल्ट आएगा, बहुत हम लोग खुशी के माहौल थे, इसलिए कि मेरे आंसर की में मेरा 115 को सही था, तो हम सोचे कि चलिए मेरा अब तो हो गया भाई। अब उस दिन 15 तारीख को शाम में हुआ क्या कि वह परीक्षा रद्द, क्या तो धांधली हुई थी, अब हम लोग उसमें क्या करें। अब उस वक्त बहुत निराशा हुई, फिर हम लोग एग्ज़ाम दिए 16 तारीख को, 16 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम हुआ है। अब उसका रिजल्ट अभी तक तो कोई अता पता नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, अब तो नई सरकार आएगी तो ठीक है होगा। अभी आप ये नहीं बताए उस पर सवाल का जवाब है कि नाम का दुकान का नाम ही नाम का दुकान सर इसलिए दिए कि सब लोग देखे कि भाई कोई फलना नाम दे रहा है। हमने सोचा कि भाई जब एमएड कर चुके हैं तो क्यों ना इस दुकान के नाम अपने ही एजुकेशन से दे दें। एमएड बीएड बेरोजगार स्वीट हाउस रख दिया नाम। जी सर। अच्छा, आपका पुराना नाम प्रतिभा स्वीट्स है क्या? जी, मुखिया जी की मशहूर समोसा एवं मिठाई की दुकान है। मुखिया जी कौन है? ये भैया ही मुखिया जी के नाम से जाने जाते हैं। भैया आपके मुखिया जी के नाम से जाने, आपका नाम मुखिया जी है? जी। अच्छा, और प्रतिभा स्वीट्स का नाम रखा हो तो नाम बदले कब आप? कितना साल हुआ नाम बदले? नाम बदले हुआ सर 4 साल हो गया। 4 साल पहले नाम बदले थे। कहाँ से ये आइडिया मिला आपको नाम बदलने? आइडिया सर मिला, हम भी कभी पटना एग्जाम उदाम जाने जाते थे तो ठेला पर लिखता था एमएड बीएड चाट स्वीट्स, एमएड बीएड चाट स्वीट्स मिलता था पटना में। जी, ठेला वाला पर देखते थे हम लोग। क्या? ठेला पर देखते थे सर, तो हम भी सोचे कि क्यों ना अपने छापरा टू रेवा, छापरा टू मुजफ्फरपुर रोड में इस तरह की कोई नया नाम के दुकान, पढ़ लिख के तो बहुत दुकानदार हैं लेकिन इस तरह की कोई मैंने नाम नहीं था, तो हमने सोचा कि ये छापरा टू मुजफ्फरपुर में मैं अपना यूनिक नाम रखूंगा कि ताकि लोग की पहचान हो। पहचान बना कि नहीं इससे? सर बन गया है पहचान कि भाई चलिए वहाँ बेरोजगार स्वीट की दुकान है, चलिए वहाँ पर लोग आते जाते हैं। सर आप पहचान के कारण आए हैं? हम तो निकल रहे थे चाय पीना था हमको, तो रुक गए तो नंबर दिख गया आपका। ऐसे भी सर अमित शाह जो गृह मंत्री है वो भी बोले थे कि पढ़ लिख कर पकौड़ा बेचिए, इसलिए अमित शाह जो बोले थे कि पकौड़ा बेचिए, अमित शाह बोले थे कि नरेंद्र मोदी बोले नहीं, अमित शाह बोले, अमित शाह बोले थे पढ़ लिख कर रोजगार के नाम पर पकौड़ा बेचिए। पकौड़ा बेचते हैं आप जी? का सब समोसा है तो सर पकौड़ा ना हुआ सर, ये समोसा ही पकौड़ा होता है, पकौड़ा हो गया ये मान लीजिए, पकौड़ा नहीं बेचते जी, नहीं यही समोसा ही पकौड़ा मान लीजिए इसको। गुस्सा हुए पकौड़ा से आप लोग? गुस्सा है क्या करिए सर, हम लोग पढ़ लिख इतना डिग्री पैसा लगाया, 2.5 लाख रुपया लगाया सर डिग्री लेने में, और समय 2.5 लाख रुपया कैसे लग गया सर? बीएड किए उसको, एमएड किए सर, साल में बीएड किया रहे थे, बीएड सर किए हम लोग 11 में, एमएड किया 18 में सर, 18 में जी। अच्छा, उसके पहले एमए किस साल किए? एमए तो सर किए हम तो बीएड किया था 2005 में, उसके बाद एमए किए 2011 में 12 में, उसके बाद बीएड किए हैं, एमएड किए हैं सर ये 2018 में। 2011 में बीएड, 2012 में एमए, कैसे? नहीं नहीं, एमए सर किए हम थी 2010 में एमए। अच्छा, एमएड किए सर 2018 में। अच्छा, एमएड किए 2018 में। और क्या क्या आइटम फेमस है आपकी दुकान का? समोसा खाइए सर। नहीं खाना नहीं है महाराज, समोसा मशहूर है। समोसा मशहूर है जी सर। और स्पंज है। स्पंज क्या होता है? रसगुल्ला होता है सर। अच्छा, रसगुल्ला छेने वाला जी, सफेद का जी, वो फेमस होता है जी। अच्छा भाई बताइए, अभी तो सुनते में आ रहा है कि बीजेपी बोली है कि 19 लाख नौकरी दे देंगे बिहार में सबको। अभी सर उस पर विश्वास हम लोग नहीं करेंगे, 20 लाख दे देंगे। काहे? इसलिए कि सर नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि जब मेरी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ देंगे नौकरी। 15 साल तो जनता विश्वास पर मर रही है। कौन के ककरे विश्वास पे हो? जैसे नीतीश जी के।
नीति जी विश्वास के लायक नहीं है का? कहाँ से है? काहे? जो दिए नहीं। तो सुशासन बाबू बोलता है उनको की काम धाम किए लोग बताते हैं। आदमी ऐसे ही भटक रहे हैं जो बेरोजगार इतना न बैठे हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। हाँ जी बिहार में। अच्छा क्या बोल रहे थे आप? जी सर क्या बोले? आइए दुकानिया देखा जाए, बहुत बहुत चौकस दुकान बनाया है। दुकान तो यही मेरा यही दुकान है, बैठले खाने वाने का सब चीज सर यही है मेरा। रहना वहना यही होता है आप लोग का? जी सर, घर है, दुकान दोनों है सर। घर ऊपर है का? जी। अच्छा कितना कितना लोग रहता है आप लोग? दो तीन बार भाई रहते हैं, स्टाफ है भी है सर। चार स्टाफ रखे हैं, चार तीन आदमी अपने लगे रहते हैं। ये लड्डू रखे हैं, बूंदी का ये छेने का आइटम है, यही का रखे हैं? मोतीचूर का लड्डू है, लड्डू है। अच्छा मोतीचूर का लड्डू का, इस पे चूहा था का? कैमरे में चूहा आ गया लड्डू पे, और ऊपर भी सब चूहा हुआ जो भी, मतलब मिठाई उठाई है। हाँ तो सब कोल्ड्रिंक वोल्ड्रिंक है सब, पूरा सब कढ़ाई वढ़ाई चढ़ा है, भट्टी जल रही है, आग लगा हुआ, भीड़ लगा हुआ है। क्या बच्ची का नाम है तुम्हारा? अनीश यादव। अनीश यादव, क्या करते हो बब्बू? पढ़ाई करते हैं। कौन क्लास में? स्टैंडर्ड 4। अच्छा चार में? नहीं स्टैंडर्ड 4। स्टैंडर्ड 4 भाई, मतलब कक्षा 4 स्टैंडर्ड 4 वही होता है ना यार? जी जी। हां क्या कितना उम्र तुम्हारा? 15 साल। 15 सालों का कक्षा 4 में पढ़ते हो? पूछ रहे हैं हम, मतलब हम लोग मिलते हैं ना 15 साल के लोग बोलते हैं कि हम लोग 9 या 10 में पढ़ते हैं, ऐसा बोलता है। मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो क्या सही से तुम? करते हैं। करते हैं? करते हो? स्कूल में कहाँ पढ़ते हो? कटसा चौक पे। हाँ कटसा चौक पे। कहाँ? नहीं कटसा SVM पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल में प्राइवेट वाला मामला, टीचर उचर आते हैं समय से? यस सर। हाँ सरकारी स्कूल में नहीं गए? नहीं। काहे? उसमें कबो कबो जाते हैं। कबो कबो जाते हो? यस। कहाँ सरकारी स्कूल में कहाँ जाते हो? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो तो? प्राइवेट स्कूल में, वो स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। कौन स्कूल में? सरकारी स्कूल में। तो वहाँ से नाम कटा लिए? नहीं उसमें नाम है, नहीं जाते हैं। अबे दो स्कूल में पढ़ते हो तुम? सच्ची बता, दो स्कूल में पढ़ते हो? हैं? हाँ। कैसे? सरकारी और प्राइवेट। हैं? मैनेज कर लेता होगा घर पे रहकर। मैनेज कर लेता है? अरे यार ये तो अजी, अरे यार ये बहुत मजेदार बात है। बिहार में लगभग सारे बच्चे प्राइवेट में और सरकारी में दोनों नाम रहता है। बराबर है, एक साथ दूसरे का बराबर बराबर। एग्जाम देने ही सरकारी में जाते हैं बच्चे, एग्जाम देने समय, और जाते हैं जो योजना मिलता है ना सरकार की तरफ। पढ़ाई होता ही नहीं है, सब कहे सरकारी में पढ़ते हैं, सब लोग प्राइवेट में कहीं नहीं पढ़ते। जो एक्चुअली जो सरकारी जो पैसा आता है कपड़ा का स्कॉलरशिप, इसी के लिए उसमें एडमिशन रहता है बस। सरकारी सर्टिफिकेट के लिए भी? सरकारी सर्टिफिकेट के लिए जी। असली पढ़ाई कहाँ होता है, सरकारी वाले में कि प्राइवेट वाले में? प्राइवेट वाले में। प्राइवेट वाले में ढेर होता है। तो जाते हो कितना कितना महीना में, कितना दिन जाते हो सरकारी वाले में? 4-5 दिन। महीना में 4-5 दिन जाते हो केवल स्कूल? प्राइवेट वाले में कितना दिन जाते हो? जाते हैं रेगुलर। रेगुलर 4-5 दिन जब जाते हो महीना में सरकारी वाले में, तो टीचर बोलते नहीं कि बारिश बाकी 24-25 दिन कहाँ रहे तुम? हाजिरी पूरा सर बना देते हैं महीना भर के। टीचर भी वैसा ही है, टीचर भी वैसा ही है, वो लोग भी तो ऐसा ही करके आते हैं, सब मैनेज होते रहते हैं। टीचर 4-5 दिन में, 4-5 दिन जाके पूरा महीने भर का अटेंडेंस लगा देते हैं? क्या बोलते हो उनसे? सर लगा दीजिएगा हम अगले महीने आएंगे, ऐसे बोल देते हो? गुरु जी अगले महीने मुलाकात होगा, ऐसे कैसे? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो सर? क्या बोलते हो? सर बोलते हो, गुरु जी बोलते हो? सर सर बोलते हो। क्या बोलते हो गुरु जी? सर अब अगले महीने आएंगे, बता देते हो सब? सब ये बताए हो प्राइवेट स्कूल में, बताए कि हम सरकारी स्कूल में भी पढ़ते हैं? हाँ बताएं। क्या बोलते हैं प्राइवेट स्कूल वाले टीचर जी? बताते हैं कि महीना में 2-3 दिन जाना बस। वो भी बोलते हैं 2-3 दिन जाना? हर शिक्षा के यहाँ बहुत ज़्यादा अथी हो चुका है, मतलब यहाँ पे प्राइवेट और सरकारी को लेकर बहुत दिक्कत होता है बच्चों को पढ़ने में। क्योंकि सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, और प्राइवेट होती है तो वहाँ पे अमाउंट की वजह से बच्चा नहीं पढ़ पाता है, गार्जियन का अमाउंट नहीं हो पाता है, उतना नहीं दे पाता है, इसलिए दोनों तो बच्चा मैनेज करता है किसी तरह से। कितना फीस देते हो तुम? 200 सरकारी में, प्राइवेट में? और सरकारी में नहीं देते, सरकारी में नहीं लगता है। सरकारी में नहीं लगता है? कौन 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 सरकारी स्कूल? कोई भी मास्टर सर टाइम से नहीं है कभी। कौन दोस्त इसमें ज्यादा है, सरकारी वाले में ज्यादा दोस्त है या प्राइवेट वाले में ज्यादा दोस्त है? प्राइवेट वाले में। सरकारी में कोई दोस्त नहीं बना है? नहीं। काहे? महीना में 4 हली जाएगा तो क्या दोस्ती होगा? महीना में 4 हली जाएगा तो क्या दोस्त बनाएगा? हाँ दोस्त क्या बनेगा। और खेलने किसके साथ जाते हो, प्राइवेट वालों के साथ सरकारी वालों के साथ? प्राइवेट वाले के साथ।
सरकारी वाला बस कल डिग्री पाने के लिए है ना। हाँ ये बताओ अभी तुम 2005 में मान लो तुम 2020 चल रहा है तो 2022 में तुमको मिले कक्षा 8 पास है कक्षा 6 पास है या उस स्कूल से कक्षा 6 पास है या उस स्कूल से तो कौन सा लगाओगे आगे? सरकारी वाला लगाओगे दिखाओगे एक ज्ञान इतना लेकिन ज्ञान प्राइवेट वाले से लेकर आए हो ना। यही प्लानिंग होता है ना बिहार का यही है प्राइवेट से पढ़ा जाता है डिग्री दिखाया जाता है सरकारी का सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी में सरकारी व्यवस्था का कमी है लोग दो दो साथ मतलब डिग्री लेता है लोग CBSE वाले जो पढ़ते हैं स्कूल में ना वो सरकारी में भी एग्जाम देता है लोग और CBSE बोर्ड में भी देता है लोग एक साथ ही देख बहुत मतलब 40% ऐसे बच्चे हैं। ये तो इनवैलिड होता है ना ये तो मतलब गैर कानूनी भी कहता है इनवैलिड हो गया ना एक डिग्री तो इनवैलिड हो गई आपकी। वो तो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए ना कि जो बंदा जो प्राइवेट में पढ़ रहा है उसका CBSE का भी सर्टिफिकेट है और इधर सरकारी बिहार बोर्ड का भी है तो वो तो उन लोग को देखना चाहिए और जहाँ सरकारी नौकरी निकली तो इसका लगा देते हैं ये लोग सरकारी जो स्कूल का सर्टिफिकेट उसका और जो जैसे प्राइवेट में हो वो CBSE का जहाँ पे जिसका जरूरत हो वाला सर्टिफिकेट तैयार रहता है ऐसे ही। हाँ एक साथ ये लोग 12th कर लेते हैं और ITI भी हो जाता है यहाँ पे 10th के बाद मतलब 2010 में या बाद 2010 दो साल में 10th का 12th का भी एग्जाम दे देता है लोग ITI का भी दे देता है लोग। कब से चल रहा है सब सिस्टम? ये तो 2010 से ही चालू है सिस्टम 2010 से चल रहा है उसके दो स्कूल में पढ़ने का जी उसके पहले एक के स्कूल में उसके पहले था ही नहीं इतना एक ही सरकारी था उस समय उतना प्राइवेट नहीं था आजकल तो प्राइवेट का लोग धंधा बना के रख दिया जी मतलब पैसे के लिए धंधा बना दिया है लोग कहते हैं कि बिहार के लोग पढ़ा रहे बहुत तेज होता है इसीलिए कहते हैं का होता है उसके लिए पढ़ लेता है सत्य हम लोग एक में नहीं पढ़ पाए कायदे से यार हम यूपी से हम एक में कायदे से नहीं पढ़ पाए या वो निर्वाहानी भी नहीं पढ़ पाया एक में कायदे से सरकारी स्कूल में पढ़ाई कुछ व्यवस्था नहीं है प्राइवेट सरकारी इधर सारे डबल डिग्री कहते हैं डबल इंजन की सरकार इधर डबल डिग्री लगा तैयार सरकारी डबल इंजन का है तो डिग्री डबल रखने में क्या दिक्कत डबल रखने में क्या दिक्कत है। हाँ अब बताइए आप तो समोद आपके ऊपर आते हैं MEd BEd बेरोजगार स्वीट हाउस ना सही नाम लिए ना जी सर। हाँ कहाँ से बेरोजगार हुए आपका तो अच्छा खासा रोजगार चल रहा है बता रहे फेमस दुकान है तो सर नौकरी हो जाती तो आपके आपके आपके, आपके वजह से चार लोग को और रोजगार मिल रहा है जो चार हेल्पर है सर सब ठीक है लेकिन फिर भी एक नौकरी होता है ना जी हम लोग पढ़े लिखे काहे के लिए क्या ये जब चाटे बेचना था तो पढ़े लिखते काहे के लिए बिना पढ़े लिखे भी चाट बेच सकते हैं आदमी पढ़ लिख के क्या करेगा उसे क्या वैल्यू रहेगा काहे के लिए कोई पढ़ेगा जब इतना पढ़ करके चाट बेचिए चप्पल सीजिए और ये सब काम कीजिए तो आखिर ये लोग पढ़ेगा काहे के लिए सरकार कहती है कि शिक्षा में सुधार चाहिए ये चाहिए वो चाहिए इसका कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा ये बताइए अब ये कल को नौकरी लग जाए आपकी चलिए बहुत शुभकामनाएं आपको की नौकरी लग जाए दुकान का नाम बदल देंगे फिर? जी सर बदल देंगे। क्या करेंगे अब उसमें वही प्रतिभा पुरानी प्रतिभा स्वीट हाउस रख देंगे नौकरी हो जाएगा तो बदल देंगे बदल देंगे फिर पॉपुलरिटी गायब हो जाएगी आपकी उसके बाद बदल के पापा जी को बिठा देंगे दुकान पे जी दो आदमी और रख देंगे उसके बाद। अच्छा जी फिर इतना जो नेम ट्रक जा रहा है हाँ इतना जो आपका नाम हो रहा है बेरोजगार स्वीट हाउस के नाम से फिर पूरा बंद हो जाए तो नाम होना बंद हो जाए तो नहीं सर नाम क्यों बंद हो जाएगा लोग जानेगा कि हाँ यही दुकान था इनका नौकरी हो गया अब ये पुरानी दुकान के नाम से चल रहा है ये दूसरा मिठाई वाले को आइडिया मिल जाएगा अपना नाम भी बेरोजगार रखो तो नौकरी लग जाएगा आइडिया मिल जाएगा कि वो तो हटा लिया चलो अपना असल लिखता है ना जैसे बनारस में हम तो वहाँ पे तो लंका चौराहा है पता नहीं किसने लोग जानते हैं आप लोग तो वहाँ पे पहलवान लस्सी वाला है तो एक है पहलवान लस्सी फिर दूसरा लिखता है असली पहलवान लस्सी दूसरा लिखता है पुराना वाला पहलवान लस्सी एक सामने एक तो दूसरी पट्टी पे बोलता है असली पुराना पहलवान लस्सी असली पुराना बेरोजगार स्वीट हाउस चाट तो खुलेगा जी खुलेगा तो जो लोग खोलेंगे वो तो जानेंगे लेकिन मेरा तो हो जाएगा वो तो समय बताएगा कि आगे चल के क्या होने वाला अभी जो कंडीशन चल रहा है अभी यही लगाए हुए जी सर अभी यही अभी यही मामला है सर। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? ये तो अभी बदलाव की बिहार बह चुकी है मतलब हमको ना ये TV चैनल वाला बात बताते हैं ना बदलाव की बिहार बह चुकी है मूड बताइए जनता लोग का मूड क्या कह रहा है? मूड तो सर यही ना बोल रहे हैं सर बदलाव की बिहार चल रहा है मतलब कि सरकार तो चेंज होनी चाहिए क्योंकि जो सरकार जो पिछले सरकार अपने वादा पर नहीं उतर पाई है 15 साल में कितना नौकरी दे पाई है अभी तक
15 कुछ नौकरी नहीं दे पाए ना, नौकरी के नाम पे तो नहीं कि 19 लाख नौकरी देंगे, कुछ नहीं दे पाए, कहाँ से दे पाएगी 15 साल में 6 लाख नौकरी दे 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 पाई है 15 साल में 6 लाख नौकरी दे पाई है तो 5 साल में 19 लाख बाबू कौन लाएगा नौकरी अपना, कहाँ से लाएगा अपना पैसा, कहाँ से लाएगा? ये जो तेजस्वी बोल रहे हैं 10 लाख नौकरी देंगे, तो जो बोल रहे हैं सुशील मोदी और ये मतलब मुख्यमंत्री तेजस्वी कैसे देंगे? लोग तो बोलते हैं, मैंने उनके विरोधी कहते हैं कि एक नौकरी देने में सरकार सड़क पे आ जाएगी, इतना नौकरी एक दिन में। अभी अभी हर विभाग में सर, हर विभाग में भी सीट खाली है, तेजस्वी जी खंडन करके बंटवारा कर चुके, इतना खाली है। तेजस्वी जी खंडन कर करके बताए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उसमें भी बताए थे कि किस विभाग में कितना सीट खाली है, टोटल उन्होंने बताने का काम किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, काम किया है। 6 लाख सीट खाली है अभी हर विभाग में, चाहे मेडिकल विभाग हो, चाहे मतलब गवर्नमेंट मतलब टीचर के, हर विभाग में मतलब कर्मचारी, हर विभाग में 6 लाख सीट खाली है। 4 लाख और कहीं से मैनेज करके अपना सीट निकालेगा अपना 10 लाख। आप लोग पढ़ाई लिखाई को लेकर इतना सजग हैं, बता रहे हैं कि बिहार के लड़के मतलब बिहार के लोग जो हैं, लड़के ही क्यों लड़कियां भी, हर सब सभी लोग पढ़ाई लिखा, एक सेकेंड एजुकेशन को लेकर इतना ज़्यादा जागरूक है कि दो दो स्कूलों में दो दो कॉलेजों के साथ पढ़ाई चल रही है, यहाँ पे दो दो डिग्री, ठीक है मतलब मजबूरी है आपकी, दो दो डिग्री एक साथ बटोरी जा रही है कि जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से कोई भी अप्लाई कर सकें, ठीक है। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव की डिग्री पे सवाल उठता है, कहा जाता है कि 9वीं फेल हैं, कहाँ से आप लोग मतलब नेतृत्व कर सकेंगे? वो कहने के विपक्षी में कोई कुछ बोल सकता है, लोग बोलता है उसकी हिंदी में बोले नहीं आता है, अंग्रेजी में भाषण देते हैं, 9वीं फेल बच्चा बताइए कोई मतलब मुखिया क्या सुनिए सुनिए सर, 9वीं फेल लड़का कोई इंग्लिश में भाषण देगा? पिछले 15 साल में एक वार्ड मेंबर के बच्चा कोई फेल हुआ था, वो भी मुख्यमंत्री के बच्चा फेल हो सकता है कभी? ये संभव है सर? योग्यता की बात है तो प्रधानमंत्री से ज्यादा तो मनमोहन सिंह पढ़े लिखे हैं, उनको प्रधानमंत्री बना दीजिए। जो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो मान लीजिए 9वीं फेल मतलब एक एग्जाम्पल है, तो ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं? जो चाय बेच के मुख्य प्रधानमंत्री बन गया, वो 9वीं फेल प्रधान मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेंगे? तो अब ठीक है, चलिए एक सवाल और, ये सवाल हम जब लोगों से पूछते हैं ना, भैया आएगा तो ये सवाल जब लोगों से पूछते हैं ना, लोग हम लोगों को कमेंट में भी लिखते हैं, व्यूअर्स भी ध्यान दी लीजिए, लोग कमेंट में लिखते हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, नीतीश का प्रचार कर रहे हैं, नहीं ठीक है, हमारा काम है सवाल पूछना, ठीक है। सवाल है कि नीतीश वितीश का जब नाम आता है, लालू है तेजस्वी का जब नाम आता है तो कहा जाता है कि बिहार को 15 साल पीछे धकेल देंगे ये लोग, लोग कहते हैं उनसे पूछिए कि 15 साल पहले कुछ क्या था, अब 15 साल नहीं नहीं नहीं, ये मत छोड़िए, ये मत सवाल का जवाब है, सवाल का जवाब होना चाहिए कि क्या 15 साल पीछे गया था बिहार? आप लोग नहीं बता पाएंगे, बूढ़ पुराने लोग बता पाएंगे, आप बताइए क्या नाम है आपका? हरिंदर प्रसाद। हरिंदर जी, ये लोग कहता है कि अगर तेजस्वी और लालू का सरकार बनेगा तो ठीक है तेजस्वी और लालू का सरकार बनेगा या तो लालू फिर से सत्ता में आते हैं, बिहार तो पिछड़ जाएगा, फिर से पिछड़ जाएगा कि आगे बढ़ जाएगा? आप बताइए, आगे बताते हैं कि बड़ा क्राइम हुआ करता था, नीतीश वितीश सबको ठीक कर दिया, ऐसा बात होता है? आंकड़े के हिसाब से तुम देखिएगा कि ऐसे ही देखिएगा कि यहाँ बहुत ज्यादा क्राइम था। क्राइम कब का क्राइम पूछ रहे हैं सो बताइए ना हमसे। आप 15 साल तो आप प्रेजेंट अभी राज कर रहे हैं, आप 15 साल पहले उसके आगे का बाप आप डरावना डरा रहे हैं, मुंह में का लजाकार कर लोगों को शिक्षित बनाया गया, होशियार बनाया गया, बोलने के लिए बताया गया, अधिकार लेने के लिए बताया गया। लालू जी तो क्राइम करने वाला आदमी है, उस समय ये सब हुआ, अधिकार लेने के लिए बताया गया लोगों को, क्या क्या किया? अधिकार लेने के लिए लालू यादव तो बोला था कि ए गरीब के बच्चों स्कूल में पढ़ना लिखना सीखो, तब लोग पढ़ने लिखने के लिए जाने, लोग दो स्कूल में में सब में विकास किया, पहलवानी भी स्कूल भी खोला, नहीं उससे पूरा हुआ तो कितना? अभी लालू यादव के समय कितना लोग स्कूल जाता था, अभी तो लोग बोलते हैं नीतीश के समय ज्यादा लड़का लोग स्कूल जाने लगा। हाँ, नीतीश का राज में तो ज्यादा लड़का लोग जा रहा है कि लड़की जा रहा है कि कौन जा रहा है, ये तो आपसे के सामने छुपा हुआ नहीं है। खाली खिचड़ी खाना जाता है नीतीश के राज में, 12 बजे के बाद लड़का सब अपने घरे जाएगा। हाँ, मास्टर साहब लोग छिपा गिनेंगे, बुझे न, पढ़ाने के लिए नीतीश सरकार नहीं रखा हुआ टीचर को। अच्छा, किस लिए रखा है? छिपा गिनने के लिए, पढ़ाने के लिए रखता था तो शिक्षा का ही दशे नहीं होता। लालू यादव के आप कंपैरिजन कर रहे हैं, लालू यादव के बारे शिक्षा दूसरा था, लालू यादव का शिक्षा दूसरा था। आप लोग क्या अमनौर विधानसभा के हैं ना आप,
तो चोकर बाबू लड़ रहे हैं ना? चोकर बाबा, हाँ तो पहले निर्दलीय लड़ रहे हैं इस बार ना, टिकट विकट कटा है। तुम गुरु दो दो स्कूल में पढ़ के बड़ा समझदार हो गए हो हैं। तो चोकर बाबा हैं, दो सीट से लड़ रहे हैं, अरे निर्दलीय लड़ रहे हैं, दो स्कूल के चक्कर में दो सीट निकल गया मेरे मुँह से। तो और फिर सामने हैं आपके सुनील राय, सुनील राय राजद से हैं, और तीसरे हैं मंटू सिंह, मंटू सिंह जो बीजेपी बीजेपी से। कहा जा रहा है कि टिकट मिलने के 2 घंटा पहले आए थे पार्टी में। सही बोल रहा है, एकदम बिल्कुल सही है, 2 घंटा पहले आए थे। सही बात चल रही है मंटू सिंह के बारे में? हाँ सही बात है, बीजेपी में 2 घंटा पहले आए फिर टिकट मिले। लेकिन दोनों जो विधायक हैं 5-5 साल जीत के जब भी गए एको बार यहाँ आए नहीं है। चोकर बाबा और सुनील, चोकर बाबा भी 5 साल में एको बार यहाँ ब्रेक नहीं डाला है गांव में, अब मंटू सिंह भी 5 साल में एको बार ब्रेक नहीं डाला है। हाँ यही तो स्थिति है यहाँ का। तो चोकर बाबा, लेकिन चोकर बाबा का तो नारा वारा लगाते हैं कि भैया जनता का नौकर चोकर बाबा, ऐसे ऐसा ही है, बहुरूपिया है, चुनाव के पहले थे जनता के नौकर, लोग एहसान चुका दिला। अच्छा, उनकरा के पेंशनर बना दिलक बिहार सरकार के, बुझे नहीं नू। हाँ। मीठा के चीनी के बोतल भर भर के लोग के देते रह। अच्छा। टॉनिक हाँ, लोग पर कर्जा रहे उनकर, आ जाहि दिन से लोग उनकरा के पावर दे दिलक भाई तू निमन काम करे वाला बड़ा। हाँ। वो दिन से 5 साल एक दिन भी दिखाई ना दिलन क्षेत्र में, रूढ़ी दिखाई दिलन यहाँ सांसद आप लोग का रूढ़ी। हाँ, वो ब्रेक लगावस है दहार बा चली ना, तनी दहार देखा तनी फोटो तो खींचे के तो खींच ली। प्रवक्ता बने घूम रहा है, टीवी है। रूडी जी को तो कोरोना हो गया था ना? कोरोना वो कोरोना हो जाएगा, कोरोना वो उनको हो जाएगा, डिस्टिल वाटर से हाथ धोते हैं। हां डिस्टिल वाटर हाथ धोने से कोरोना होता है? हां एनर्जी रहबे नहीं करेगा, जब नेचुरल आपका धूप हवा पानी जब नहीं शरीर में लगेगा तो क्या होगा, एसी का हवा खाने से होगा। कैसे कोरोना से कैसे बचा जाए चाचा? बचने के लिए तो आपने खुद लगाया हुआ है, हमने खुद रखा हुआ है। लगाए नहीं आया आप? मोदी ना ऑलरेडी है, मोदी बस गए कैमरा पे चाचा, लगाए नहीं है आप गमछा? मोदी जी कहे कि गमछा रखो, हम ऊपर भी को काम खत्म। हाँ। अच्छा, कोरोना रहता तो इलेक्शन में इतना भीड़ होबे नहीं करता। हाँ। जी चाचा बोल रहे हैं कोरोना है, ये नहीं है कोरोना, कहने से है राजीव प्रताप रूडी को हुआ है, शाहनवाज हुसैन को हुआ है, हम जनता के लिए थोड़े है। नितिन उनको भी हो तो गया, जो शाहनवाज हुसैन को। हाँ सुशील मोदी गए हुए हैं, राजीव प्रताप रूडी गए हुए हैं, सब कोरोना में लोग हो गए, सब नेता लोग को जनता हिसाब पूछेगी, काम पूछेगी, तो लोग कोरोना में चले जाएंगे। कोरोना में चले जाएंगे? अच्छा, कोरोना यहाँ बहाना है, बाहर आया हुआ था अभी, जो विधायक जो है लोग कोरोना के बहाना मार के अपना अस्थिर पटना, चंद्रिका राय हमारे क्षेत्र के परसा विधानसभा क्षेत्र के, जो उस समय परसा से लड़ रहे हैं जी, अपने पीओ को भेज के अथी करवा रहे थे धार का, अपने कोरोना के नाम लेके कोरोना हो गया, अस्थिर 2 महीना बैठे हुए थे पटना, अब कोरोना उनका 2 महीना में भग गया, भग गया उनका, घूम रहे हैं पूरा पूरा क्षेत्र में, घूम रहे हैं धार का क्षेत्र, 2 महीने 26 दिन दहार है, 1 अगस्त से आया था दहार, आज तक कोई दिखाई नहीं दिया है। अब जो कह रहे हैं कि कौन, कोई नहीं आया है, ना चोकर आया है, ना मंटू आया है, ना रूरी आए हुए हैं, कोई आता तब नू। किसका किसका इधर लग रहा है गेम ज्यादा तगड़ा रहेगा? परिवर्तन रहेगा, परिवर्तन किया जाएगा सरकार के खिलाफ, बदलाव है, बदलाव होगा एकदम, तेजस्वी तेजस्वी आएगा इधर। सुनील राय का आप नाम ले रहे हैं और आप बता रहे हैं कि सबको जवाब, जनता के काम का जवाब देना पड़ेगा जनता को, तो इसलिए कोरोना हो गया सबको, सबको कोरोना, डिस्टिल वाटर से हाथ धोने से कोरोना होता है, धूप खाना धूप पानी से नहीं होता। हाँ ये नेचुरल, तो एमएड बीएड का बेरोजगार स्वीट हाउस पे समोसा खाने से होता है कोरोना। शिक्षित बेरोजगार आकर आज तक नौकरी नहीं मिला, उसका उम्र खत्म होने जा रहा है, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है भाई जी? अरे वही तो, वहीं से तो बातचीत शुरू हुई पूरी, तब वो लड़का, अब ऊंचा लड़का कितना यहाँ पड़े हुए हैं, एक दो नहीं है, 150 लड़के हैं जो एमएड या बीएड को क्या बैठा हुआ है कि सरकार अब वैकेंसी निकालेगा, एग्जाम लेता है ऑनलाइन से और फिर रद्द कर देता है, ड्रामा दिखाता है, जादूगर है। हाँ सब पैसा कमाने का एक जरिया है, सरकारी नौकरी निकाल देता है। ठीक है, तो यदि एमएड बीएड बेरोजगार हाउस स्वीट हाउस एवं प्रतिभा चौट कॉर्नर कटसा में मौजूद है, अमनौर विधानसभा, लोग हैं, बातें हैं, बिहार चुनाव है, मैं सिद्धांत हूँ, साथ में रूहानी है, आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।